साहब वो बस्ती देख रहे हैं ना, मेरा घर हुआ करता था वहां पर। मैं अपने आई बाबा के साथ रहता था, बहुत मजा आता था। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। वो होते ना मजदूर यूनियन, उसके लीडर थे, सबकी मदद करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और मेरे घर के बाहर ना एक पेड़ हुआ करता था, बहुत पुराना पेड़ था। और उसकी इतना मोटा रस्सा ना उसके तने पे डाल के झूला डालते थे और मुझे झुलाते थे वहां पे, खूब पिंगे देते थे। साए 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 साए, और मैं बोलता था और ऊपर और ऊपर और ऊपर। वो थे ना साहब, वो जब झूला झूलते हुए नीचे आते हैं तो पेट में होते हैं ना सब कुछ, मस्त मजा आता था। फिर एक दिन पुलिस आई और मेरे बाबा को ले गई, न जाने क्यों। और साहब मेरी आई भी मुझे उस दिन छोड़ के चली गई। इतना सा था मैं, इतना सा, कोई कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के जाती है क्या। साहब मैं रोता रहा रोता रहा, पूरा दिन रोता रहा, कोई साला पूछने तक नहीं आया। फिर शाम हुई, मुझे मुझे भूख लगने लगी। साहब वो होता है ना, मेरे पेट में दर्द हुआ, वो इतने बड़े बड़े नाखूनों वाले राक्षस मेरे पेट को अंदर से नोच रहे थे साहब। फिर मुझे एक कुत्ता दिखाई दिया मेरे घर के आंगन में, उसके मुंह में रोटी थी। साहब मैंने आओ देखा ना ताओ, पत्थर उठाया और दिया उस कुत्ते को। कुत्ता भाग गया मुंह में रोटी लेके, कुत्ता आगे आगे, मैं कुत्ते के पीछे पीछे। मैंने एक और पत्थर उठाया और दिया कुत्ते को, कुत्ता रोटी छोड़ के भाग गया। साहब तब से जिंदगी ने सिखा दिया कि अगर जीना है तो मारना सीख, अगर जीना है तो छीनना सीख। साहब आपके ये समाज के लोग हैं ना साला, इन्होंने ही बताया मुझे कि हक यहां मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। वही तो किया मैंने। साहब अगर उस छोटे से बच्चे को रोटी मिल जाती तो क्या आज वो गुनहगार बनकर यहां बैठा होता क्या? नहीं ना, वही किया जो जिंदगी ने मुझे सिखाया, जो जीने के लिए जरूरी था मैंने लोगों को मारा। और कोई मलाल नहीं है मुझे उसका, कबूल करता हूं मैं अपना गुनाह। पहना ये हथकड़ी और डाल दीजिए मुझे सलाखों के पीछे, डरता नहीं हूं मैं।